हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इरफान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अगेन मौसम काफ़ी अच्छा है, अंडमान में है, धूप है। एंड अगर मैं पिछले हफ्ते का आपको वेदर रिपोर्ट दूं, पिछले हफ्ते से बारिश काफ़ी कम हुई है एंड पिछले हफ्ते बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, तो आज का मौसम साफ होने ही वाला है एंड धूप काफ़ी तेज़ है, तो बारिश की टेंशन तो आज है नहीं। उसके अलावा अब टाइम हो रहा है, अगर आप देखेंगे, इट इज़ 10:23 हो चुका है। हम एक्चुअली हाफ ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर्स चल चुके हैं, स्टार्ट कर दिया हमने आज की जर्नी। तो अब मैं आपको बताऊं कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बड़ा बालू बीच। यस, सो अगर इसको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँ, बिग सैंड बीच ऐसे ही बनेगा, बट आइडियली यहाँ पे इसको बोलते हैं बड़ा बालू बीच। तो ये अगर आपको याद होगा, मेरे शायद सेकंड लास्ट व्लॉग में हम गए थे चिड़िया टापू, फिर वहाँ से मुंडा पहाड़ बीच, राइट। तो ये चिड़िया टापू के विसिनिटी के आसपास ही है। आपको मेन चिड़िया टापू तक नहीं पहुँचना है, चिड़िया टापू से जस्ट पहले देयर इज दिस रिजॉर्ट कॉल्ड अ सिम्फनी रिजॉर्ट, उसके राइट में एक रास्ता अंदर जाता है, तो वहाँ से यू नीड टू गो इनसाइड टूवर्ड्स द बड़ा बालू बीच। बट बीच एक्सेस करने के लिए भी आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, या थोड़ा सा छोटा सा हाइक है, तो वो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। अब का फ़िलहाल अपडेट ये है कि हम 4-5 किलोमीटर्स चल चुके हैं और अब हम आगे चलते हैं, तो आपसे रास्ते में मिलते हैं। सी है, हम पहुंच चुके हैं सिम्फनी समुद्र रिजॉर्ट। तो ये वाला है सिम्फनी समुद्र रिजॉर्ट, और यहाँ से हमें जो ये स्ट्रेट रोड है आगे लेनी है एंड वहाँ से राइट लेना है, वो राइट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाला जो राइट है ये अपने को लेना है टूवर्ड बड़ा बालू बीच। सो वी आर मीटिंग अगेन, अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें गाड़ी एक्चुअली पार्क करनी है, बिकॉज़ यहाँ से रोड काफ़ी ख़राब है, पत्थर लगा रखे हैं, मतलब प्रॉपर रोड है नहीं। तो यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी है, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो वो सारी गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पे, तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो और उसके बाद फिर यहाँ से आपको वॉक करके जाना है। आगे कितना जाना है आई हैव नो क्लू, नो आइडिया, तो वो मैं आपको जब ट्रैवल करूँगा तब आपको मैं बता दूँगा। दूसरी चीज़ मुझे आपके साथ ये शेयर करनी थी कि यहाँ के लिए ना कोई बसेस वगैरह नहीं आती। जो मैंने आपको सिम्फनी समुद्र रिजॉर्ट दिखाया था वहाँ से आपको राइट लेना है, राइट लेके आप डायरेक्टली इधर आते हो। अगर बस से आते हो आपको सिम्फनी समुद्र में उतरना है, वहाँ से आपको राइट लेके चलना पड़ेगा, या जैसे भी आप कैसे कम्यूट करते हो दैट इज़ ऑन यू। उसके बाद वहाँ से फिर आप आगे की तरफ चल सकते हो। अगर आप कार लेके आते हो या स्कूटी वगैरह कुछ टू व्हीलर लाते हो तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और यहाँ पे पार्क करने के बाद यहाँ से यू कैन कंटिन्यू टूवर्ड द बीच। सो उसके अलावा द टाइम इज 10:59, हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमें वॉक करना है। अब आगे चल के आपको बताता हूँ कि कितना डिस्टेंस है और कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो इफ़ यू सी हियर, कि वो अगर आपको देखो वो बीच हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो ये जो है ये रास्ता हमने कवर किया है। अब हमें जाना है आगे की तरफ, कीचड़ काफ़ी है, तो हमने ये ट्राई किया कि हम बाइक यहाँ तक ले आए, बट यहाँ से आगे हम सोच रहे हैं कि गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दें एंड देन यहाँ से आगे चलें। Thank you.
लैंड आ चुका है, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। वो देखो, अगर आपको वो दिख रहा है, वो जो छोटी सी नाव है ना, इसको हम यहाँ पे डिंगी बोलते हैं। तो इस पे जनरली फिशरमैन फिशिंग के लिए जाते हैं। तो ऐसा हिसाब किताब है, पानी काफ़ी क्लीन है एंड पेड़ है, एंड उस स्ट्रेच तक अगर आपको दिख रहा है, वो पूरा स्ट्रेच ऐसे घूम के वो आगे काफ़ी आगे तक ऐसे सैंड का ही पूरा ये ट्रेल है। तो ये आप पूरा कवर कर सकते हो। एंड अगर आप देखो, एक जना नहीं है यहाँ पे, एक जना भी नहीं है, पूरा का पूरा बीच खाली है। तो हमें आए हुए हो गए हैं लगभग 20-25 मिनट और अब टाइम हो रहा है 12:31। तो हमने कवर कर लिया है आज बड़ा बालू, जो कि बड़ा बालू बीच है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो बीच है, इसका जो सैंड वाला ट्रेल है, वो काफ़ी लंबा है, आप इस पर वॉक कर सकते हो। बट इस टाइम पे वॉक करना, दैट इज़ 12:31 के, जब धूप काफ़ी तेज़ पड़ी हो, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बीच इज़ दैट कि आपको ऐसे, जो मेरे पीछे अगर आपको दिख रहा है, ऐसे पेड़ मिल जाएंगे जहाँ पे आपको छाँव मिल जाता है। तो यहाँ पे यू पीपल कैन सिट, यू पीपल कैन ब्रिंग योर ऑल अरेंजमेंट कि आपको कैसे बैठना है, खाने पीने का आप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको ये बीच एक्सेस कैसे करना है। टूरिस्ट के रिगार्ड्स में दिस बीच इज़ क्वाइट यू नो हिडन, टूरिस्ट को ज़्यादा पता होता नहीं है कि बड़ा बालू बीच कहाँ है। दो दे नो चिड़िया टापू एंड मुंडा पहाड़ बीच, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट वेयर एग्जैक्टली इज़ बड़ा बालू बीच। सो अगर आप आते हो तो ट्रैवल, आई मीन जो भी आपके ट्रैवल गाइड है, ड्राइवर है, जो भी है, उनसे ये कहना कि मुझे बड़ा बालू बीच जाना है, बिकॉज़ इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस, बिकॉज़ यहाँ जो शांति एंड यू नो जो एम्बियंस है, बिकॉज़ बाकी बीचेस में क्या होता है कि काफ़ी भीड़ होता है। इफ़ यू रिमेंबर, हम जैसे चिड़िया टापू और मुंडा पहाड़ बीच गए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, राइट, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बट यहाँ पे भीड़ कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, ये सिर्फ लोकल्स को पता है, टूरिस्ट उतने नहीं आते यहाँ पे। तो यू पीपल मस्ट ट्राई। उसके अलावा मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी है, अगर आप मेरे पीछे देखो, वो वाला जो आपको अगर आइलैंड दिख रहा है, वो वही आइलैंड है जो मुंडा पहाड़ के ऊपर, जो हम सेकेंड लास्ट ब्लॉग में गए थे। एकदम अगर आप टिप देखो, वो वाला टिप है जिसको हमने क्रॉस करके, जो नैरो वैली थी, क्रॉस करके हम वहाँ गए थे। तो यहाँ से आपको वो भी दिखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चिड़िया टापू और मुंडा पहाड़ के बीच के काफ़ी पास है, और उसके विसिनिटी के काफ़ी आसपास है, जस्ट आपको राइट टर्न लेना है। तो ये भी हो गया है, अब हमने निकलना है वापस, एंड रास्ते में आपसे मिलते हैं। अगर आप टाइम देखो, टाइम हो रहा है 1:19, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। हमने ऑलमोस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है फ्रॉम द बीच टूवर्ड्स आर प्लेस। तो बस यहीं पे हम एंड करते हैं। मैंने इस व्लॉग में ट्राई किया है कि मैं कवर करूँ बड़ा बालू बीच कैसे एक्सेस कर सकते हो आप, तो वो आपने देख ही लिया होगा। तो ये वाली जो वीडियो है, ये अपकमिंग फ्राइडे अपलोड हो जाएगी, तो आप तब एंजॉय कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं नेक्स्ट व्लॉग की बात करूँ, थोड़ा सा आपको जिस्ट दे दूँ, तो हम ये ट्राई करेंगे कि हम दूसरी आइलैंड ट्रैवल करें, जिसमें कि थोड़ा सा बोट ट्रैवल भी हो। बाई बोट आई मीन व्हीकल फेरी टाइप्स, जिसमें कि आप खुद की गाड़ी के साथ कम्यूट कर सकते हो, गाड़ी भी साथ ले जा सकते हो उस फेरी में। सो आज के लिए बस इतना ही, आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अलविदा, शबा खैर।